द्वारा आज विशाल किसान संघर्ष यात्रा निकाली गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस भवन के कलेक्टर तक किसानों के समर्थन में यह विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। विशाल रैली में आप गांधी विचार मंच के सभी समस्त कार्यकर्ता और जिला कांग्रेस के समस्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, NSUI, IT, शिक्षा प्रकोष्ठ, समाज कल्याण प्रकोष्ठ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन, प्रदेश पदाधिकारी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनके द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान विशाल रैली कांग्रेस जनों ने किसानों के समर्थन में निकाल कर किसान विरोधी बिल वापस लिए जाने की मांग केंद्र की मोदी सरकार से की गई। इस दौरान दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी पिछले 50 दिनों से चले आ रहे किसान आंदोलन को तत्काल समाप्त कराते हुए केंद्र सरकार से तीनों कृषि काले कानून वापस कराए जाने के संबंध में दिया गया। बता दें, इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह, राहुल गांधी विचार मंच जिलाध्यक्ष आदेश शुक्ला राजा, महिला जिलाध्यक्ष शिम्पी अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष नीरज द्विवेदी, अजय अवस्थी, यूथ प्रदेश महासचिव अनुज मिश्रा, महामंत्री चक्रधारी शुक्ला बाबू, यूथ जिलाध्यक्ष अनुपम गौतम, ब्लॉक अध्यक्ष नीरज शर्मा, परशुराम द्विवेदी, रोहिणी शुक्ला, राजेश चतुर्वेदी, बल्लू भाटिया, बिन्नू प्यासी, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच किसान संघर्ष समर्थन रैली में किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में किसान रैली निकाली गई।